हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बेसिक आइडियाज बाय ज्योति में। मैंने अर्बन क्लैप्स यूसी जिसको बोला जाता है उनको बुलाया था किचन की सफाई के लिए। ये देखिए, मैं आपको गंदा किचन दिखा रही हूँ। मैंने ये खाली करके किचन उनको दिया था, सारा सामान मैंने खुद हटाया था और वो आके इसको साफ करेंगे। मैंने सुबह बुक किया और वो दोपहर में आ गए थे। ये देखिए, सारा किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। इसके जो बर्तन स्टैंड है, नल वगैरह, और जो ये नीचे के जो हमारे ये ड्रॉज वगैरह होती है ना, वो सब देखिए नीचे काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है। तेल फैल गया है या पत्थर जैसे खराब हो गया है। हम लोग घिसाई कराते हैं या वो भी कराते हैं, तो वो चीज़ से ज़्यादा ये यूसी अगर आप कराते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, मैं सारी अलमारियाँ आपको खोल खोल के गंदी दिखा रही हूँ, और फिर मैं यही अलमारियाँ आपको साफ जब करके जाएंगे वो तब दिखाऊंगी। और इस चीज़ से एक इन्होंने ये जो यूसी वाले आए थे, ये देखिए, ये जो कॉर्नर वाला होता है ना ड्रॉज, ये उसमें गंदगी जो हो रखी है वो दिखा रही हूँ मैं आपको। अब ये इन्होंने आके ये सारी ड्रॉजेज निकाल दी हैं और इन्होंने ये सफाई करना शुरू कर दिया है। लगभग इनको 3 घंटे लगे थे किचन साफ करने में। अब आप इनको सफाई करते देखिए, आपको अंतर अभी सामने के सामने दिखेगा जब ये सफाई कर रहे हैं। तो ये देखिए, ऊपर से सफाई करते हुए ये नीचे लेके आ रहे हैं। मैंने आपको ये वीडियो फॉरवर्ड में दिखाई है तेज चला के, इसलिए आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि ये दोनों में साफ होने के पहले का और बाद का पूरा। एक 3 लोग आए थे, ये एक आदमी ने ऊपर की विंडो वगैरह साफ की, एक ने नीचे की सफाई की, और एक व्यक्ति ने जो ड्रॉजेस थी उन्हें खोल के उनकी सारी ये रॉडें वगैरह हैं या गेट वगैरह हैं, हैंडल वगैरह सब कुछ पहुंच के साफ किए। ये देखिए, एक ने ड्रॉज निकाल के दे दिए, एक व्यक्ति इनको साफ करने में लगा हुआ है। ये सारे आगे पीछे चारों तरफ से इन्होंने बहुत अच्छे से इसे साफ किया। प्लस ये अपना सारा सामान वो खुद लेके आए थे साफ करने का, लिक्विड, ये स्कॉच ब्राइट या जो भी चीज़ इन्होंने यूज़ की ये खुद से लेके आए थे। ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है, और आप अगर एक बार कराएंगे तो आपको पता लगेगा। ये है ब्रश है, ये मशीन है जिससे ये जो चिकनाई वाले सारे दाग हैं ना, ये इस मशीन से निकालेंगे। इसे ये घिस नहीं रहे हैं, इसमें नीचे एक ब्रश लगा हुआ है उससे ये सफाई कर रहे हैं। देखिए, आपको नीचे दिख रहा होगा, उसमें दाने दांते दांते से बने हुए हैं, उसमें वो दिख रहे होंगे आपको। ये देखिए, ये क्लीन हो गया है, वो मैंने दिखाया है आपको, और ये वाला कॉर्नर वाला जो लंबी वाली ड्रॉज होती है ना, वो क्लीन कर रहे हैं ये, इसके किनारे सारे निकाल रहे हैं। ये कटलरी वगैरह जो गंदी थी वो साफ कर रहे हैं। मैं आपको गंदा और साफ दोनों का, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको गंदा और साफ दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, कंपेयर करने को मिलेंगी, क्योंकि हमारे भी हाथ किसी चीज़ को करते करते थक जाते हैं, कभी तो हमें ऐसा होना चाहिए। और किचन जो है, घर में सबसे ज़्यादा गंदा जो होता है वो किचन ही होता है। ये देखिए, कितना भी आप साफ करिए, आपको साल में, मेरे ख्याल से तो साल में 1 या 2 बार इन लोगों को बुला लेना चाहिए। और मैंने बहुत अच्छा पानी का बहुत कम यूज़ किया था, आराम से अपने कपड़ों से और अपने ये लेके आए थे अपने टॉवल हैंकीज वगैरह, अपना बेड में सामान, ये सब वो लोगों ने खुद ही किया। और आप इनको देख के जब ये करके जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये लोग इतना, मतलब जो काम है उसको करके गए हैं। अभी ये वाला जो कॉर्नर वाला होता है, इसको तो हम कितना भी घुस के साफ करें ना, हम इतना नहीं कर सकते जितना इन लोगों ने कर दिया। ये देखिए, कॉर्नर इतने गंदे हो गए थे, ये एक ब्रश जैसा है, उसमें उन्होंने कोई लिक्विड डाला, अपना स्प्रे किया और उससे इसको रगड़ दिया। ये ब्रश जो मशीन में लगा हुआ है उससे इसको रगड़ दिया, और बहुत ही अच्छे खिड़की दरवाजे, मैंने एग्जॉस्ट को भी ऐड किया था। आपको जो जो चीज़ साफ करानी है आपको उन चीज़ों को ऐड करना होगा। मैं इसका प्राइस भी आपको बताऊंगी, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हर चीज़ का अलग अलग प्राइस है, जो मैंने अपने किचन का दिया है उसका अलग प्राइस है। आपके यहाँ अगर चिमनी लगी हुई है या एग्जॉस्ट लगा हुआ है या माइक्रोवेव है या गैस स्टोव है, जिस जिस चीज़ की आपको सफाई करानी है उस सब का आपको ऑनलाइन लिंक पूरा मिल जाएगा, सारी चीज़ों का। सभी चीज़ें अलग अलग इनको बताई जाती हैं, और आप उसमें जो जो चीज़ें आपको करानी है आप इंक्लूड करते जाइए और उसको करा लीजिए। ये देखिए, अब ये साइड वाली जो अलमारियाँ वगैरह हैं मेरी, वो साफ़ कर रहे हैं। ये इन्होंने जो ड्रॉज निकाली, देखिए काली हो रही है, एक तरफ से आपको दिख रही होगी और एक तरफ से ये साफ़ हो गई है, तो आपको अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा। ये अभी मशीन के द्वारा कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा नहीं है
उसमें ये कोई एक ब्रश लेके आए थे उससे कर रहे थे, और जिसमें चिकना चिकना है उसको ये अपने उससे ब्रश से कर रहे थे। और ये ऊपर वाली अलमारियों में इन्होंने लोशन डाला, फिर उसको एक स्कॉच ब्राइट टाइप इनके पास एक ब्रश था उससे साफ़ किया, फिर उसके बाद एक गीले कपड़े से साफ़ किया, फिर उसके बाद एक और बार साफ़ किया, और फिर जब इन्होंने फाइनल किया तो उसके बाद एक और बार साफ़ किया, और हमें इनको कुछ भी नहीं देना पड़ा। सिर्फ इनको पीने का पानी दिया था हमने, और कुछ भी नहीं दिया हमने, सब कुछ ही अपना सामान लेकर आए थे। ये सारी ड्रॉबीज वगैरह निकाला, जो भी आपका टूट फूट होगी या कुछ भी होगा ये पहले ही दिखा देते हैं, और जब जाते हैं तो उस टाइम ये दिखा देते हैं कि हमारे हाथ से क्या टूट फूट हुई है और क्या नहीं हुई है। वैसे कुछ भी टूट फूट नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि पानी वगैरह का ज़्यादा यूज़ हुआ नहीं है। ये देखिए, ये वाला अलमारी तो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी थी, आप पीछे देखेंगे आपने देखा होगा जब मैंने गंदी अलमारियाँ वगैरह दिखाई थी, तो ये वाली अलमारी कितनी गंदी थी। ये देखिए, इन्होंने नल वगैरह भी साफ़ किए थे सारे, जो मेरा शावर लगा हुआ था इसमें एक बर्तन वॉश करने के लिए, वो भी इन्होंने अपने आप ही साफ़ किया था पूरा, एक एक नल चमका के गए हैं, ये सिंक वगैरह सारा पोंछ पाछ के बहुत अच्छे से करके गए। ये मैंने एक साइड से बर्तन स्टैंड लगा रखा है, अलमारी में ही अंदर फिट कर रखा है इसको मैंने। ये देखिए कितना गंदा हो रहा है, अब इसको क्लीनिंग कर रहे हैं। ये ऊपर जो शीशे लगे हुए हैं विंडो के ऊपर, उसमें हाथ डाल के ये कपड़े से अपना साफ कर रहे हैं। और पीछे जो व्यक्ति आपको दिख रहा है वो एग्जॉक्स फैन का बाहर जो जाली लगी हुई है वो साफ कर रहा है। ये सारी गंदगी ये अभी साफ करेंगे धीरे धीरे। ये देखिए विंडो के पास कितना गंदा हो रहा है, ये इधर दूसरा शीशा साफ किया है चिमनी के पास वाला, मैंने चिमनी निकलवा दी थी इसलिए ये एग्जॉक्स की जाली साफ करते हुए दिखा रही हूँ मैं आपको। और उधर से वो व्यक्ति देखिए शीशे साफ कर रहा है पीछे से, रेलिंग वो ग्रिल जो लगी हुई है उसमें वो साफ कर रहा है। ये किच सिंक के नीचे जो पोर्शन होता है ना, अक्सर वो डेली धुलता नहीं है या कुछ भी नहीं होता है तो वो गंदा हो ही जाता है, तो ये उसको साफ कर रहा है। ये लास्ट में किया है इन्होंने ये वाला काम, जब धुलाई की है ना फर्श की बाद में, जब अब ये देखिए टाइल्स साफ कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत पेंट लग जाता है या कुछ भी होता है जरा सा भी सीमेंट वगैरह लगी हुई है, तो वो इन्होंने पूरा अपनी पत्ती वगैरह जो लाए थे ये सामान अपने टूल्स उनसे साफ किया। फिर उसके बाद ये देखिए बिजली के बोर्ड भी साफ किए थे जो लगे हुए थे, माइक्रोवेव का पॉइंट, मिक्सी पॉइंट और फ्रिज का पॉइंट, ये सब इन्होंने अपने आप ही किए थे। ये देखिए फर्श को ये साफ कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए अपने एक ब्रश से इन्होंने पहले लिक्विड डाला, लोशन डाला, उसके बाद इसको साफ़ करना शुरू किया है। और ये बहुत ही अच्छा, मुझे इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आगे मैं अभी थोड़े दिन बाद आपको बाथरूम का भी वीडियो दिखाऊंगी, बाथरूम का वीडियो डालूंगी, आप उसको भी देख सकते हैं। टाइलों को बिल्कुल इन्होंने मशीन से साफ़ कर दिया है, और ये फर्श दरवाजे के पीछे सब तरफ चारों तरफ से इन्होंने अच्छे से इसे साफ़ किया है। और अगर आप मेरे लिंक के द्वारा अगर इसको बुलाते हैं यूसी को या अर्बन क्लब्स को, तो आपको 25% ऑफ भी मिलेगा इस लिंक के द्वारा, अगर आप उनको बुलाएंगे तो सर्विस के लिए। और ये मेरे किचन का इन्होंने 1150 रुपये, मतलब 1169 इतना रुपए लगे थे, जिसमें एग्जॉक्स मैंने ऐड किया था। पहले इसका था 1000 रुपये, 1000 कुछ था, फिर उसके बाद जब मैंने एग्जॉक्स की सफाई ऐड की तो इन्होंने 1169 इतने रुपए लिए थे 1150 रुपये में। आपके पूरे किचन की बहुत बढ़िया तरीके से सफाई की है, ये दोनों बैग में ये अपना सामान लेके आए थे। ये देखिए अब मैं आपको क्लीनिंग का वीडियो दिखा रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा, अगर आप मेरे लिंक से अगर इनको ऑर्डर करते हैं, बुलाते हैं इनको, तो आपको 25% ऑफ मिलेगा, और आप एक बार एक्सपीरियंस जरूर करिए, क्योंकि औरतों के हाथ कितने नाजुक नाजुक से होते हैं, कितने सुंदर से। और अभी तो हमने मेहंदी वगैरह लगा रखी है, तो हम क्यों गंदे करें अपने हाथ, ऐसे बुलाएं। देखिए कितना अच्छा साफ कर दिया, ये पूरा बर्तन रैक पूरा एक एक रॉड उन्होंने पोंछी है, और साइड से भी देखिए ये सब अंदर से मैं अब दिखा रही हूँ, पहले आपको गंदे में दिखाया था, अब मैं साफ में दिखा रही हूँ आपको। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इन्होंने ज़मीन भी साफ़ की, दीवारें साफ़ की, और ये सारे अंदर से निकाल के लगाए हैं दोबारा, बहुत बढ़िया तरीके से साफ़ हो गए हैं ये। अब कुछ दिन तक तो चलेंगे ही, और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, हम बुला के देखें एक बार, हमें ऐसा लग सकता है कि बहुत अच्छा है तो हम
देख सकते हैं, ये देखिए पूरा साफ सुथरा हो गया। इस टाइम लाइट चली गई है मेरे यहाँ तो उस वजह से ये क्लियर नहीं आया। ये कॉर्नर वाली जो अलमारी थी ना, मैंने आपको गंदी दिखाई थी, वो है। ओके फ्रेंड्स, आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें अच्छा लगे तो। ओके, बाय बाय।